जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गोपाला और स्वागत है आपका गोपाला स्टडी विद मस्ती यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे होता यह है कि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो तुरंत देख सकेंगे। चलिए आज हम किस टॉपिक बात करने वाले हैं वो बताता हूँ मैं। वो टॉपिक है हमारा कि गणित के जो फादर है, फाउंडर, वो कौन है। क्योंकि मैंने वीडियो देखे थे, बहुत सारे वीडियो में कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो मैंने ये बहुत सारा डाटा सर्च किया गूगल पे और इसका वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करने से करते हैं। क्वेश्चन है कि गणित के पिता किसको कहा जाता है। इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति को गणित का पिता नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना योगदान रहा है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है गणित में। और जैसा कि कुछ गणितज्ञ है, आर्कमिडीज, एक गॉस है, एक मूलर है, एरोडोस करके एक साइंटिस्ट है, और पाइथागोरस, इन सबको गणित का पिता कहा जाता है या इनको गणित का पिता होने की हम संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सबने अपना अपना योगदान दिया है। परंतु सामान्यतः आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि आर्यभट्ट गणित के जनक हैं। आर्यभट्ट को गणित का जनक होने का तर्क लोग देते हैं क्योंकि उन्होंने आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। भारत में आर्यभट्ट को ही गणित का पिता कहा जाता है, और जो शून्य के आविष्कारक है या शून्य के जनक है वो भी आर्यभट्ट ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।